अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज के व्लॉग में एक नई फैमिली डिस्कवर हुई है। हमारी शॉपिंग तो चलती ही रहती है, लेकिन ये शॉपिंग थोड़ी डिफरेंट थी। और हमें मिला एक नया फूड स्टॉल, जो कि काफ़ी अरसे से होगा, लेकिन हमारे लिए ये नया था, हमने फर्स्ट टाइम देखा था। यहाँ से भी हमने कुछ थोड़ा सा खाना बाय किया। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का स्टार्ट हुआ बच्चों को स्कूल भेजकर, जो कि हमारा रिबोटिक डे है। उसमें से थोड़ा सा ये एक्टिविटी होती है, स्टार्ट हमारा दिन इस तरह होता है कि बच्चों को भेजना पड़ता है स्कूल। उसके बाद किया मैंने नाश्ता, क्योंकि अकेले हो जाती हूँ तो फिर आराम से जिस वक्त दिल करता है नाश्ता करती हूँ। सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम से ही दिमाग में आ गया कि आज तो पालक ही बनेगी, और मैंने पालक और चिकन बनाया। खाना पक जाए तो बस सब आसानी हो जाती है। इसके बाद मैंने सफाई की, घर का काम किया, सब कुछ ख़त्म किया और बच्चों का टाइम हो गया। बच्चे वापस आए तो वो मेरे लिए एक बैग लेके आए थे, और उस बैग में क्या था चलिए आपको बताती हूँ। और मेरे लिए ये भेजा है आमिर में है, इसमें देखते हैं है क्या। मुझे डाउट तो था ये कुछ खाने के लिए ही होगा, और इसमें से क्या निकला जी, अरेबिक ब्रेड है ये, इसको कहते हैं लामाजून, हो सकता है मैं नाम गलत ले रही हूँ। बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खा लिया, बच्चों ने खाना खा लिया, फिर जाना था मैंने शॉपिंग के लिए। शॉपिंग पे मैं जब गई तो मेरे साथ फातिमा गई थी, और उसके पाँव जो है, जो ये स्लीपर पहनने से दुख रहा था, तो उसको थोड़ा सा सेट किया और फिर हम अंदर गए। हो गया, कहाँ गए बाबा। शॉपिंग सेंटर जब भी जाओ आमिर की स्पीड बहुत तेज़ होती है। मैं और फातिमा सिर्फ 5 मिनट रुके और आमिर गायब हो गया। चलो आ जाओ, कहाँ कहाँ है बाबा। तो देखा आपने शॉपिंग सेंटर कितना साफ सुथरा है, लेकिन जो भी हो यहाँ के शॉपिंग सेंटर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रौनक ही नहीं है, ना ही हमारी मर्जी के कुछ ड्रेसेस होते हैं यहाँ पे। शॉपिंग सेंटर्स की भी अपनी ही बात होती है। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स ग्रुप खड़ा था, जो कि पुलिस वालों को तंग कर रहा था। ये भी हैरत की बात है, ये स्मोकिंग कर रही थी, साथ में ड्रिंक कर रही थी, तो साथ में ही लोगों को तंग भी कर रही थी। तो पुलिस वालों ने इनको आराम से जी लेके गए और शॉपिंग सेंटर से बाहर निकाला हमारे सामने। लेकिन ये देखें, अभी हमारे सामने इन सबको इन्होंने बाहर किया। और यहाँ पे था फूड स्टॉल, जिसमें कि बहुत ही अच्छा जो है वो सैलड, चिकन, बर्गर, रोल, हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो हम लिए बगैर नहीं रह सके, इसलिए हमने भी जो है रोल बाय कर लिए, ताकि हम ट्राई कर सके कि यहाँ का खाना कैसा है। चले आपको जरा पास से दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ ट्राई करें हमें। वेजिटेरियन कर लेते हैं, क्या कहते हैं। वाओ यार, बफेलो चिकन से। सबको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ख़रीदने से पहले हम ये पता करते हैं कि ये हलाल है कि नहीं। जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा ये हलाल है, तो हमें बहुत खुशी हुई। बर्गर्स आर नॉट हलाल। उसके हलाल बोलने के बावजूद हमें थोड़ा सा डाउट ही रहता है, तो बार बार पता करते रहते हैं, लेकिन हलाल ही था तो हमने फाइनल किया कि कुछ ले लेते हैं। ठीक है, ले लो। वाह, हलाल है यार ये, और सारे इतने ज़बरदस्त है ना, ये अमेजिंग। कुछ चीज़ों की शॉपिंग हम पहले ही कर चुके थे, बस यहाँ से फारिग हुए सीधे घर के, क्योंकि फातिमा को खोलना था अपनी वुड फैमिली को बॉक्स में से। तो चले देखते हैं कि क्या निकला बॉक्स के अंदर। खोलें जी आप। ओके, दिस आई कैन ओपन द ओपन इट। ओके, मेस विद टीम योर अबाउट लास्ट फॉर होलीडे, दिस टुक मी सो लॉन्ग टू गेट फिक्स्ड। जी हमने नहीं मेस किया, ये कीबोर्ड अंदर ले जा। तो चले जी, वो टाइम आ गया जब बॉक्स के अंदर से फैमिली को बाहर आना था। और जब बॉक्स के अंदर से हमने फैमिली निकाली तो वो सारी मम्मी बनी हुई थी। टोटल जो है वो 5 पीसेस थे। अब देखते हैं कि उनको खोल के उनमें से क्या क्या निकलता है। ये आमिर मम्मीज बनी हुई, देखो ना आमिर, देखना अभी खोलेंगे इसको। खोलो ना यार, आप ही खोलना, एक मिनट पहले।
वो मम्मी इज कमिंग आउट एंड यार मुस्टाफ हिज डैडी डैडी आया सबसे पहले ओ कैन यू मूव हिज हैंड्स ये हां नाइस आई लाइक इट डैडी अभी आई थिंक मम्मी इज कमिंग आउट देयर इज नो मम्मी हाय मम्मी है मम्मी है सामने करो ना नो दैट्स ब्रदर दैट्स बेबी दैट्स नहीं सन होगा माइट बी सन जूता दिखा रहे हैं इसको पहले और आपको पता है ये मैंने इसे लास्ट टाइम कहा था ये ले ले इसने कहा नहीं इसके दिमाग से बात गई नहीं है तो इस दफा ये जाके ना मम्मियाँ उठा के लाइए वाओ ड्रेसिंग देखे जरा इसकी इसके कपड़े देखो यार हटो में देखो नाइस इतने अच्छे बाल बनाए हुए हैं जैसे स्कूल जाने लगा ये यू आर गोइंग टू स्कूल यस चलो जी यहाँ रखते जाएं आप I'll open the next one. बाकी भी उतारो और देखते हैं मम्मी इसको ओपन करो ओके जी दिखाओ ये आ गया है जी मम्मी मम्मी ऐसे ही इसके बाल देखो मम्मी है That's a sister. Sister, I think. चलो sister. Okay, sister आ गई ये बेबी है Yeah. बेबी को लास्ट में खोलेंगे यार बेबी को लास्ट में ये देखो जी इसकी हेयर स्टाइल देखो कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं नाउ बेबी टाइम चलो अच्छा जी अब इसमें क्या है बेबी कमिंग ओए 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 दिस इज हेड ये आ गया जी बेबी ओहो बेबी तो बहुत ही छोटा है आमिर बेबी बहुत छोटा है इसको बेबी बहुत छोटा ओहो इसको तो नैपी करनी पड़ेगी बट अच्छी फैमिली है ना वुड फैमिली यही है वुड फैमिली सेट है बहुत मजे का है और अब ये खेलेंगे इनके पास बड़ी वाली डॉल्स हैं तो ये सारी फैमिली आ गई नहीं डिस्कवरी हो हमें तो वुड फैमिली डिस्कवर करके बहुत अच्छा लगा सारे करेक्टर बहुत ही मज़ेदार थे सबसे मज़े का था बेबी और वो सबको ही बहुत अच्छा लगा बस उसके बाद हम गए जी पार्क में थोड़ी सी वॉक करने और बच्चे भी गए थोड़ा घूमे फिरे थोड़ी एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों के लिए खेलना कूदना ज़रूरी है और सबसे इंटरेस्टिंग था जब हम सिटी गए ड्राइव के लिए तो वहाँ पे फायरवर्क हो रहा था हमें पता भी नहीं था किस बात का था लेकिन हम वहाँ पे चले गए और हमने वो सारा फायरवर्क देखा उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फिर मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़